नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 44। मैं हूं भावना शर्मा आपके साथ। इन दिनों फीफा का मौसम है और फुटबॉल प्रेमियों के लिए ये एक उत्सव की तरह है। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसे आज के समय में शायद ही कोई ना जानता हो। पिछले दो दशकों में फुटबॉल का क्रेज लोगों के दिमाग में इस कदर चढ़ चुका है कि आज फुटबॉल के भी उतने ही दीवाने हैं जितने क्रिकेट के हैं। अगर फुटबॉल के खेल की बात करें तो ये एक ऐसा खेल है जिसमें प्लेयर को लगातार बिना रुके बिना थके भागना होता है। अगर इसके नाम पर गौर किया जाए तो इसके अनेक मतलब निकलते हैं, लेकिन सबसे प्रचलित कारण ये है कि इसे फुटबॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे पैर यानी फुट और गेंद यानी बॉल से खेला जाता है। अब जानते हैं कि आखिर फुटबॉल का जन्म कहाँ से हुआ। फीफा के अनुसार फुटबॉल चीनी खेल सूजू का विकसित रूप है। इस खेल का विकास चीन में हान राजवंश के दौरान हुआ था। साल 1878 में फुटबॉल की विकास यात्रा पर रॉबर्ट ब्रोज स्मिथ ने अपनी एक किताब में विस्तार से लिखा है। फुटबॉल जापान में आसुका राजवंश के शासनकाल के दौरान भी खेला जाता था। तब इस खेल को कैमरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन इससे भी पहले ग्रीनलैंड में साल 1586 में फुटबॉल खेला गया था। वहीं फुटबॉल टूर्नामेंट 16वीं सदी के अंत और 17वीं सदी की शुरुआत में शुरू किए गए थे। इस दौरान दोनों टीमों के बीच पहली बार फुटबॉल मैच खेला गया। साथ ही पहली बार इस मैच में गोल का नियम बनाया गया था। उस समय 8 से 12 गोल का मैच खेला जाता था। अब जानते हैं कि कब पड़ी फीफा की जरूरत। फुटबॉल में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की जरूरत 20वीं सदी में पड़ी। फिर इस खेल के संरक्षण के लिए इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने यूरोप के 7 बड़े देशों के साथ कुछ मीटिंग्स की। इन देशों में नेदरलैंड, फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, बेल्जियम, स्वीडन और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। उसके बाद 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुई और आज दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों में इसका क्रेज बरकरार है। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहेगा न्यूज 44। नमस्कार।